फ्रेंड्स, आज बहुत ही अच्छा एक मॉडल लेके आ रहा है कैशियो में, MZX 300, जो कि एक फ्लैगशिप सीरीज का, कैशियो का अरेंजर कीबोर्ड है, प्रोफेशनल अरेंजर कह सकते हैं। अभी तक इस सीरीज में कैशियो के पास मैक्सिमम सिटी के और डब्ल्यू के ये सब सीरीज थी। अभी MZX सीरीज आई है, जिसके अंदर दो मॉडल है हमारे पास, MZX 300 एंड MZX 500। ओके, सो सबसे पहले मैं बताऊंगा, बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है, अच्छे कीज है, रियल टाइम कंट्रोलर नॉब है, टच स्क्रीन है, और अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो उसकी रिकॉर्डिंग भी इसके माइक इनसे डायरेक्ट की जा रही है। वो एक बहुत अच्छा फीचर है, क्लियरिटी बहुत ही अच्छी साउंड की सुनाई दे रही है, डेप्थ वाला साउंड है, मेरा भी बिल्कुल अभी सुनाई दे रहा है मुझे। मैं बहुत इम्प्रेस हूँ इस कीबोर्ड से। अभी तक आपको बताया तो कोर यामा में PA सीरीज, PSRS सीरीज, ये सब इसकी कंपेयर में हम लोग परचेस कर रहे थे, और अभी इसकी MRP 50,000 है, बेस्ट बाय परचेज लिंक ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में, या फिर हमें कॉल कर सकते हैं आप उसके लिए। सो, मैं आशा करता हूँ कि अगर आपको परचेज करना है तो आप हमें कॉन्टेक्ट करेंगे डायरेक्ट, और आपको हम बेस्ट बाय लिंक देंगे और बेस्ट बाय प्राइस देंगे, आपको बहुत हेल्प करेंगे, बहुत अच्छा कीबोर्ड है। अब स्टार्ट करते हैं उसके फिजिकल ओवरव्यू। थोड़ा इसके अंदर पिच बेंडर और मॉड्यूलेशन का व्हील मिलता है, 7300 अभी तक हम यूज़ कर रहे थे, उसमें एक मॉड्यूलेशन का स्विच दिया जाता था, उसमें मॉड्यूलेशन लेवल हम एडजस्ट करने में इतना मतलब स्विच पीस पुश कर सकते थे, अभी व्हील है प्रॉपर हमारे पास, वो एक अच्छी बात है, जैसे कि कंट्रोल कर पाते हैं हम पूरा। फिर 9 स्लाइडर है, 7300 में भी ये है, वो एक 7300 की बहुत ही अच्छी बात है, 3 स्विचेस उसमें भी है, इसमें भी है। ओके, DSP असाइन कर सकते हैं, जी कर सकते हैं इसके अंदर भी। फिर टोन का पूरा है पैनल, रिदम का सेक्शन है, मास्टर वॉल्यूम है, पावर ऑन ऑफ है, और सबसे अच्छी बात प्रोफेशनल रेंजर सीरीज है इसके लिए। इंट्रो का मतलब दो टाइप के इंट्रो आते हैं स्टाइल कंट्रोल के अंदर, रिदम कंट्रोलर भी कह सकते हैं, वेरिएशन 4 टाइप के, एक ब्रेक फेड इन फेड आउट भी आ गया अभी, और एंडिंग 2 टाइप के, बाद में सिंक्रोनाइज, स्टॉप स्टार्ट, प्ले पॉज स्टॉप, एकॉम्पनीमेंट ऑन ऑफ, ये सारे फीचर्स है। बाद में रियल टाइम में मेट्रोनोम टैप टेम्पो का बटन भी आ गया है, पहले 7300 में फंक्शन प्रेस करके हमें करना पड़ता था साथ में, तब टैप टेम्पो हमें मिलता था, अभी डायरेक्ट सिंगल बटन पे आ गया है। फिर टेम्पो का बटन है सेटिंग के लिए, टोन रिदम ये सब कुछ है, यस नो का बटन यहाँ पे दिया है। बाद में 4 रियल टाइम ये हमें पैड मिलते हैं ट्रिगर करने के लिए, जिसमें हम कोई फ्रेज डाल सकते हैं, सैंपल्स डाल सकते हैं, और यूज़र के वेव सैंपल्स से भी हम सैम्पलिंग कर सकते हैं, जैसे कि माइक लगा के हम कुछ रिकॉर्ड करके वो पैड पे बजाना चाहे तो वो भी हो जाएगा, कोई इंस्ट्रूमेंट ऑक्स इन में दे के रिकॉर्ड करना है वो भी हो जाएगा। फिर रियल टाइम कंट्रोलर है उसके अंदर, वैल्यू और Knob 1 Knob 2 है, बहुत ही अच्छा फीचर है। फिर हमें बैंक के लिए रियल टाइम कंट्रोलर के अंदर 8 बैंक है हमारे पास, उसके स्टोर है, फ्रीज है, रिकॉर्ड मोड दिया है पूरा, मिडी में दिया है, ऑडियो में रिकॉर्ड, अभी जो भी रिकॉर्ड हो रहा है ऑडियो में हो रहा है वेव फॉर्मेट में डायरेक्ट, ट्रांसपोज का है, ऑक्टिव का है, सस्टेन का बटन। अभी सबसे पहले हर एक कीबोर्ड में जो मैं देखता हूँ पियानो साउंड, वो मैं आपको पहले दिखाता हूँ। स्टार्ट करें, ब्यूटीफुल टच स्क्रीन है, बहुत ही मतलब कैपेसिटिव टच नहीं है बाकी ब्रांड की तरह कि आपको हार्ड, वो पुराने मोबाइल कैपेसिटिव टच होता था, वो रेजिस्टिव टच होता था, अभी ये जो है कैपेसिटिव, देखो मैं हल्के से टच करूँगा। अभी टोन की पैनल में जाते हैं, ग्रैंड पियानो कॉन्सर्ट, सो कॉन्सर्ट ग्रैंड पियानो, कैसियो MZX 300, स्टार्ट करते हैं। नोट करें, मैं यहाँ पे सस्टेन पेडल का यूज़ करता हूँ हमेशा। ओके, स्टार्ट। वेरी ब्यूटीफुल। Thank you.
बहुत ही अच्छा है ये साउंड है। फिर ये वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा कि बहुत डिटेल में जाने वाले अभी हम, अभी ग्रैंड पियानो की ब्राइट टाइप, अभी हाई वेलोसिटी पे काफी हमें ब्राइट नोट मिलेंगे। यकीन कीजिए दोस्तों, कैसियो के बहुत अच्छे साउंड है। अभी तक आप लोग सोच रहे थे कि कैशियो नहीं दे पाता था, वो आपकी गलत फहमी है। अच्छा साउंड है, सुनिए अभी मेलोइश, थोड़ा वॉर्म पियानो रहेगा ये, ब्राइट नहीं। ओके सुनिए। कोई ट्यून बजाएगा? अच्छा साउंड है, बी पॉप पियानो। कितना मस्त साउंड था, बी रॉक, ये थोड़ा स्वीट ज्यादा होता है रॉक पियानो। लिसन, हाई नोट सुने के थोड़े, जैज़ पियानो। ये डांस टाइप के कुछ पियानो, सेकंड कैटेगरी। मॉडर्न ग्रैंड पियानो, फिर क्लासिकल, स्टूडियो ग्रैंड पियानो, सुनिए सस्टेन लेंथ। लोअर नोट सुनिए, बहुत ही अच्छे हैं।
कितना शानदार पियानो है, उसके हाइट नो हाई नोट भी थोड़े सुना दूंगा। और ये एक ट्रैक पियानो जो मुझे अच्छा लगा है, एक और जो बॉलीवुड टाइप है, कितना बढ़िया साउंड है। और रेगुलर जो हमारे स्ट्रिंग विद पियानो, फिर सिंथ स्ट्रिंग, क्वायर पियानो, कितना अच्छा क्वायर सुनाई दे रहा है बैकग्राउंड में। अभी वॉइस पियानो, तो अभी एक पियानो चिम सुना दूंगा, चाइम्स कितने अच्छे हैं। फिर अभी इलेक्ट्रिक पियानोज में जाएंगे, इसमें हार्पसिकॉर्ड, रेगुलर इलेक्ट्रिक पियानो सब कुछ है। इस डिटेल में ये पियानो, इलेक्ट्रिक पियानो का जो मैकेनिकल रियल रहता है, फिर 60s। ओके, इलेक्ट्रिक पियानोज इंडिया में काफ़ी यूज़ नहीं होते, इसके लिए मैं अभी आगे गिटार्स में जाऊंगा। अभी गिटार कैटेगरी से स्टार्ट करते हैं, टोन्स गिटार, नायलॉन गिटार, जो फर्स्ट वॉइस है वो मेगा वॉइस टाइप है, जिसमें बॉडी स्लैप मिलता है हमें सी नोट पे। स्ट्रमिंग कर सकते हैं, फिर रेगुलर टाइप के गिटार्स है, फिर नायलॉन में हाई नोट पे हार्मनी नोट बजेगा, हार्मोनिक उसका रेगुलर वेलोसिटी पे पूरा नोट बजेगा वो। ये है, अभी आगे स्ट्रिल स्ट्रिंग देखेंगे, स्ट्रिल स्ट्रिंग में दूसरी टाइप।
तीसरी टाइप ट्वेल्थ स्ट्रिंग टाइप स्टील गिटार में वेलोसिटी पे हार्मोनिक्स फिर रेगुलर नायलॉन और स्टील स्ट्रिंग का मिक्स फिर जैज गिटार वगैरह इलेक्ट्रिक टाइप में ये कुछ गिटार्स वगैरह रेगुलर रहते हैं हमारे हर एक कीबोर्ड के अंदर फिर अभी स्ट्रिंग कैटेगरी में जाएंगे कुछ ऐसे स्ट्रिंग्स थे अभी आगे स्ट्रिंग की कैटेगरी में स्लो स्ट्रिंग्स ऑर्केस्ट्रल स्ट्रिंग्स ऑर्केस्ट्रा पैड्स ऑर्केस्ट्रा हिट्स ब्रास ये ब्रास थे अभी एक सैक्सोफोन सुनाऊंगा एक सैक्सोफोन था एक टाइप की फ्लूट सुनाऊंगा खास नोट करें टोन के ऊपर एक एक टोन आपको मैं बजा के कीबोर्ड के सारे टोन दिखाऊंगा इसके लिए एक स्पेशल से वीडियो अलग अलग कैटेगरी वाइज बनाएंगे अभी ये वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए थोड़ा फास्ट रखेंगे ओके पैन फ्लूट अभी सिंथ कैटेगरी में पैड वर्ल्ड कैटेगरी में
ये लैटिन थे, कुछ इंडोनेशियन में अच्छे अच्छे ट्रिमिंग टाइप में। चाइनीज इंस्ट्रूमेंट। अभी बारी आएगी इंडियन। तानपुरा ही आगे स्टार्ट करते मेन साउंड जो कि अभी आगे हमें मिल जाते हैं। सिंथ वगैरह देख लिए, पैड देख लिए, कुछ इंडियन में आए थे। सो अभी आते हैं हारमोनियम। देखिए पूरा बेलो इफेक्ट है, धीरे धीरे साउंड जैसे हारमोनियम में कम होती है वैसे होगा। अभी संतूर, ध्यान रखे साउंड का प्रॉपर वीडियो एक आएगा एडिट किए हुए हमारे खुद के कस्टम साउंड्स जो हमारे यहाँ की परचेज पे साथ में दिए जाएंगे। सरोद कितना अच्छा साउंड है। अभी आगे देखेंगे शहनाई। बांसुरी, और अभी ओ दे ये सब साउंड जो रेगुलर है एरबिक। ये कुछ फेमस साउंड थे, फिर रेगुलर ये प्लग टाइप, ये कुछ ऐसे साउंड रहते हैं हमारे। फिर कुछ ड्रम किट दिखा दूंगा, स्पेशल्स ईडीएम टाइप के दिखाऊंगा, बाकी तो सब स्टैंडर्ड है हमारी। इंडियन कुछ कुछ अच्छी है। कितना अच्छा साउंड है देखिए। ये तो ये बहुत ही अच्छा है। ये सब सुनिए कितने ब्यूटीफुल है। ये घुंघरू सुनिए कितने रियल है, ऐसे कोई भी कीबोर्ड में नहीं है अभी तक। डफ टाइप की जैसे कीट है, बहुत ही अच्छे है।
ये कुतने अच्छे अच्छे स्टाइल्स से, अभी एक दो वेस्टर्न फिर पूरे इंडियन सुना देता हूँ आपको स्टाइल्स। डैप सुनिए कितना बेस है। आगे कुछ पियानो रिदम्स, प्रॉपर स्टाइल के वीडियो अलग से बनाया जाएगा। सो अभी कुछ इंडियन दिखा देता हूं आपको। ये देखिए भांगड़े, दादरा आया क्या, तबला सुनिए कितना बेस है उसमें। गुजरात का अभी एक ताल, धमर है धमर ये। बड़ी क्लासिकल स्टाइल अच्छी है ये। ये थे कुछ ब्यूटीफुल स्टाइल्स फ्रॉम कैसियो MZX 300। मैं आशा करता हूँ कि ये कीबोर्ड आपको बेहद पसंद आएगा। सो परचेज़ के लिए आप डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए हमें 9033773457 नंबर पे। आपको बेस्ट रेट पे कीबोर्ड हम अवेलेबल करवा देंगे ऑल ओवर इंडिया। ओके सो नेक्स्ट वीडियो के लिए
सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, लाइक करिए ज़रूर से। आएगा बहुत जल्दी, एक 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 कैटेगरी पे पूरा वीडियो आएगा, जिसमें स्टाइल तो पूरे स्टाइल दिखाए जाएंगे, टोन्स तो पियानो ऑर्गन गिटार स्ट्रिंग्स सारे वीडियो दिखाए जाएंगे वन बाय वन। बाद में ऑपरेटिंग फिजिकल मतलब जो भी बटन का बेसिक ऑपरेशन है, रजिस्ट्रेशन है, नॉब है, सब कुछ दिखाया जाएगा वन बाय वन लेसन के जैसे। ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। धन्यवाद।